अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा पिछले लेक्चर में हमने फिज़िक्स की तारीफ़ पढ़ी थी, फिज़िक्स की डेफिनेशन को स्टडी किया था। इस लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस में हमारे पास पहले ब्रांच आता है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स से क्या मुराद है? इसमें लिखा हुआ है इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मोशन किसे कहते हैं? कि जो भी ऑब्जेक्ट अपने पोजिशन को चेंज करे सराउंडिंग के हिसाब से तो वो मोशन में आ जाएगा। तो हम मोशन को स्टडी करेंगे उसके फोर्स के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मैकेनिक्स कहलाएगा। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें, मैटर पर डेफिनेटली, और वो डिस्प्लेस हो जाए, मोशन में आ जाए, तो इस फील्ड को हम क्या करेंगे? मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ कंसर्न विद द फिनोमिना एंड अफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। सिंपल सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी की, कि इसमें हम इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टडी करेंगे कि मोशन में ऑब्जेक्ट्स आ जाएं किस वजह से? इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। अच्छा, थर्ड डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन प्रिंसिपल लॉज एंड मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पर इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसके नाम पे गौर करते हैं कि इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी होगा और मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, मग्नतीसी प्रॉपर्टीज़ होंगे इसमें। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जहाँ प्रोड्यूस हो जाएँ इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से, तो इस फील्ड को हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिज़म कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स के स्ट्रक्चर और इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब हम स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहलाते हैं। तमाम सॉलिड स्टेट की बात की जा रही है, ना लिक्विड ना ही गैस। तो हमारे पास सॉलिड की एक अलहदा फिज़िक्स की ब्रांच है जिन्हें हम जब स्टडी करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स कहलाती है। अब स्ट्रक्चर में उसके कंपोजिशन आ जाती है और प्रॉपर्टीज़ में किस तरह के उसके फीचर्स होते हैं हम उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक फिज़िक्स। इसमें लिखा गया है इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं एटम के। अब एटम के अंदर क्या आ जाता है? इलेक्ट्रॉन आ जाता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो जब हम प्रॉपर्टीज़ को और इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये हमारे पास कहलाएगा एटॉमिक फिज़िक्स। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिज़िक्स। द ब्रांच इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। न्यूक्लियाई मीन्स सिंगल एटम, जो हमारे पास है उसका एक न्यूक्लियस। तो हम जब उसके स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाता है। जब हम उसके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाएगा। द नेक्स्ट इज प्लाज्मा फिज़िक्स। इट इज़ कंसर्न विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाईली आयनाइज एटम फॉर्मिंग अ मिक्सचर ऑफ बेयर न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई विदाउट इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे एटम्स के बारे में पढ़ेंगे इस फील्ड के अंदर जो हाईली आयनाइज हों, यानी कि जिसमें हाईली आयनाइज यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ना हों, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी दी गई हो। तो इलेक्ट्रॉन जब हम काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देंगे किसी भी एटम को तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग एटम बचेगा वो प्लाज्मा बचेगा, और इस फील्ड को स्टडी करने पर हमारे पास ये फील्ड कहलाती है प्लाज्मा फिज़िक्स। अब बायोफिज़िक्स से क्या मुराद है? इट इज़ कंसर्न विद द स्ट्रक्चर एप्लीकेशन ऑफ फिज़िकल मैथड एंड एक्सप्लेनेशन टू द बायोलॉजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। अब बायो के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि लाइफ में हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स डिफाइन हो रहे होते हैं वो किस तरीके से, फिज़िक्स उन फील्ड को किस तरीके से डिफ़ाइन करता है, बायोलॉजी को फिज़िक्स किस तरह से डिफ़ाइन कर रहा है, इस फील्ड को पढ़ेंगे तो हम ये बायोफिज़िक्स कहलाएगा। एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में सिंपल सी बात है कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ के बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो ये हमारे पास एस्ट्रोफिज़िक्स कहलाएगा। अच्छा, ये हो गए हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स।